हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो टाइप्स ऑफ कस्टम्स ड्यूटी होने वाला है। इससे पहले जो है मैंने अपने चैनल पर कस्टम एक्ट के बारे में एक वीडियो अपलोड करी है, ठीक है। तो अब जो है हम टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी के बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज। फर्स्ट हमारी जो है बेसिक कस्टम्स ड्यूटी है, सेकंड है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि IGST, ओके। थर्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कॉम्पनसेशन सेस है हमारा। फोर्थ प्रोटेक्टिव ड्यूटीज, 5 सेफ गार्ड ड्यूटी, 6 काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स एंड द 7th एंड द लास्ट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो आज जो है हम टोटल 5 ड्यूटीज के बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। स्टार्टिंग के जो 5 हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी से लेकर सेफ गार्ड ड्यूटी तक। तो बाकी की जो 2 ड्यूटी हैं यानी कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी, उसकी जो है मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी, क्योंकि ये थोड़ी कंसेप्ट समझने वाला है। तो इसके लिए मैंने अलग से जो है वीडियो बनाने का प्लान किया है। तो अभी जो है हम 5 जो है स्टार्टिंग की वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, नंबर 1 जो हमारी कस्टम ड्यूटी है वो है बेसिक कस्टम ड्यूटी, जिसको BCD भी बोला जाता है। तो क्या दे रखा है इसके बारे में कि गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया आर चार्जेबल टू बेसिक कस्टम ड्यूटी अंडर कस्टम एक्ट 1962। तो बेसिकली जो गुड्स इंपोर्ट हुए हैं इंडिया में, यानी कि फॉरेन गुड्स जो इंपोर्ट हुए हैं इंडिया में, उनके लिए जो है ये बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है चार्जेबल होती है, ठीक है, जो कि हमारे कस्टम एक्ट 1962 में के अंतर्गत आती है। BCDB से हम बोलते हैं। द रेट्स ऑफ BCD आर इंडिकेटेड इन शेड्यूल ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। अब जो इसके रेट्स हैं इस ड्यूटी के, वो जो है हमारे कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 की शेड्यूल में इंडिकेटेड है, यानी कि उसमें दिए गए हैं। उसके बाद जो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी जो है लगता है 4% एक्स्ट्रा, ठीक है, इस ड्यूटी के साथ। तो जनरली अब क्या बोल रहा है कि जनरली बीसीडी इज लिवाइड, यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी इज लिवाइड एट स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी। स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी मतलब जो भी इसका स्टैंडर्ड रेट है ड्यूटी का, उस पर ही जो है बीसीडी लिवाय होती है, यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी जो भी रेट है, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि बट इफ सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड बिलो, अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो इंपोर्टर जो है यानी कि जो इंपोर्ट करा रहा है गुड्स हमारे देश में, यानी कि फॉरेन के गुड्स जो है हमारे देश में इंपोर्ट करा रहा है, उसको इंपोर्टर बोलते हैं, ठीक है। तो जो इंपोर्टर है कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ प्रेफरेंशियल रेट। प्रेफरेंशियल रेट का क्या मतलब होता है कि जो ड्यूटी का नॉर्मल रेट होता है ना, उससे कम, थोड़ा उससे जो कम रेट होता है ना, वो प्रेफरेंशियल रेट होता है। तो प्रेफरेंशियल रेट का जो बेनिफिट है वो इंपोर्टर को तब मिलेगा जब वो कुछ कंडीशंस जो है सेटिस्फाई करेगा। अब वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो जरा हम पढ़ लेते हैं। तो लिखा हुआ है ना कि कंडीशन फॉर अवेलिंग बेनिफिट्स ऑफ प्रेफरेंशियल। तो प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी का जो बेनिफिट अगर अवेल करना है इंपोर्टर को, प्राप्त करना है, तो उसको जो है कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहली कंडीशन है हमारी कि स्पेसिफिक क्लेम फॉर प्रेफरेंशियल रेट मस्ट बी मेड बाय द सप्लायर, यानी कि उसको जो है प्रेफरेंशियल रेट अगर उसको बेनिफिट लेना है तो उसको जो है क्लेम भी करना पड़ेगा, यानी कि स्पेसिफिक क्लेम करना पड़ेगा सप्लायर को, ठीक है, ओके। सेकंड पॉइंट है इंपोर्ट मस्ट बी फ्रॉम प्रेफरेंशियल एरिया एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि इंपोर्ट जो है वो कहां से होना चाहिए,
प्रेफरेंशियल एरिया से, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उसी एरिया में जो है इम्पोर्ट होना चाहिए, ठीक है। ओके, द थर्ड पॉइंट इज द गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड इन सच प्रेफरेंशियल एरिया, और जो गुड्स हैं वो वहीं प्रेफरेंशियल एरिया में ही मैन्युफैक्चर्ड या फिर प्रोड्यूस्ड होने चाहिए। ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज द ओरिजिन ऑफ द गुड्स शैल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड अंडर द कस्टम्स टैरिफ एक्ट। तो जो गुड्स हैं, गुड्स का जो ओरिजिन है वो जो है डिटरमाइन, यानी कि उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए जो कि हमारे कस्टम टैरिफ एक्ट के रूल्स के मुताबिक जो है गुड्स का जो है ओरिजिन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सारी जो कंडीशंस है अगर एक इम्पोर्टर सेटिस्फाई कर देगा तो जो है उसको प्रेफरेंशियल बेनिफिट होगा। तो अब जरा दूसरी ड्यूटी के बारे में बात कर लेते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि IGST के बारे में। तो IGST के बारे में क्या बोल रहा है कि इट इज इक्वल टू IGST एज लिवाएबल अंडर सेक्शन 5 ऑफ IGST एक्ट 2017। यानी कि ये जो कस्टम ड्यूटी है, ये वाली जो कस्टम ड्यूटी है वो बिल्कुल उसी तरीके से लिवाए होगी जो कि हमारे IGST एक्ट 2017 के तरह से जो है लिवाएबल होती है, मतलब उसी के इक्वल जो है लिवाएबल होगी, लगेगी, यानी कि ठीक है। आर्टिकल ऑन इट सप्लाई इन इंडिया, ठीक है, जैसे कि जो भी आर्टिकल सप्लाई इंडिया में होता है उस पे जो IGST जितना भी लगता है तो उसी के इक्वल जो है कस्टम ड्यूटी भी इसके अंतर्गत लगेगी, ठीक है। तो इट इज लिवाएबल ऑन एनी इम्पोर्टेड आर्टिकल, तो ये जो IGST है वो किसी भी इम्पोर्टेड आर्टिकल पर लिवाएबल हो सकती है, और जो मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स है वो 40% रहता है, ठीक है, मैक्सिमम रेट है ये। ओके, नाउ अब बात कर लेते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कॉम्पनसेशन सेस की। तो क्या दे रखा है इसमें कि अंडर GST रिजाइम, मतलब GST के तहत कॉम्पनसेशन सेस विल बी चार्ज्ड ऑन लग्जरी प्रोडक्ट। जो कॉम्पनसेशन सेस है ना वो किस पर चार्ज होगा, जो लग्जरी प्रोडक्ट है, ठीक है, लग्जरी प्रोडक्ट जैसे कि लाइक हाई एंड कार्स, मतलब महंगी महंगी कारें हो गई हमारी, और जो डीमेरिट कमोडिटीज हैं, जो अच्छी कमोडिटीज नहीं है जैसे कि पान मसाला, टबैको, जिससे कि बहुत गंदी वाली डिसीजेज होती हैं, है ना, ड्रिंक्स हो गई, ठीक है, तो इन पर जो है कंपनसेशन सेस जो है वो चार्ज्ड होता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट स्टेट फॉर लॉस ऑफ रिवेन्यू। और ये जो चार्ज होता है ना, जो इससे जितनी भी रिसिप्ट होती है वो जो है स्टेट के पास जाती है, स्टेट फॉर लॉस ऑफ रिवेन्यू, जो भी स्टेट को लॉस होता है रिवेन्यू में उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ये जो है कॉम्पनसेशन सेस लगाया जाता है। कॉमन पॉइंट्स फॉर इंटीग्रेटेड टैक्स एंड GST कॉम्पनसेशन आर एस फॉलो। अब वो कौन से हैं वो देखते हैं। तो पहला हमें क्या दे रखा है कि असेसेबल वैल्यू फॉर कंप्यूटिंग इंटीग्रेटेड टैक्स एंड GST कॉम्पनसेशन सेस। तो असेसेबल वैल्यू जो आएगी वो कैसे आएगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वैल्यू अंडर सेक्शन 14 सबसेक्शन 1, यानी कि टैरिफ वैल्यू जो भी निकल करके आएगी वो, और इसमें जो है हम बेसिक कस्टम ड्यूटी को एड करेंगे जिससे कि हमारी क्या निकल के आएगी, असेसेबल वैल्यू, जिसके ऊपर जो है हमारा ये कॉम्पनसेशन सेस लगेगा, ठीक है। अब हमारी आती है फोर्थ ड्यूटी, यानी कि प्रोटेक्टिव ड्यूटीज क्या होती हैं। तो इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग टू ड्यूटीज। तो इसमें जो है दो ड्यूटीज हमारी इंक्लूड होती हैं, पहली रिवेन्यू ड्यूटीज और सेकेंड है हमारी प्रोटेक्टिव ड्यूटीज। रिवेन्यू ड्यूटीज क्या होती हैं कि आर दोज विच आर लिवाइड फॉर द पर्पज ऑफ रेजिंग कस्टम रिवेन्यू, मतलब ये वही ड्यूटीज होती हैं जो कि लिवाई की जाती हैं किस पर्पज से, ताकि कस्टम रिवेन्यू को है जो वो रेज हो सके, यानी कि कस्टम रिवेन्यू जो है वो बढ़ सके, इंक्रीज हो सके, उसको बढ़ाने के लिए जो है ये रिवेन्यू ड्यूटीज लिवाई की जाती है। सेकेंड हमारा आता है प्रोटेक्टिव ड्यूटीज। अब ए ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टैरिफ कमीशन। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो प्रोटेक्टिव ड्यूटी है ये इम्पोज की जाती है इम्पोर्टेड गुड्स पर जो कि बाहर से आए हैं, यानी कि फॉरेन गुड्स पर,
ये वाली ड्यूटी जो है इम्पोज की जाती है, ठीक है, किस लिए? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश इन इंडिया। किसके प्रोटेक्शन के लिए भाई? जो वो गुड्स है उसकी इंडस्ट्री भाई इंडिया में भी तो होगी ना, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रही होगी, तो उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है प्रोटेक्टिव ड्यूटीज लिवाई की जाती हैं, जो कि इम्पोर्टेड गुड्स पर यानी कि फॉरेन गुड्स पर जो है लगाई जाती है, ताकि जो हमारी कंट्री के जो मैन्युफैक्चरर है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली, ठीक है। तो अब जरा, इट इज इफेक्टिव ओनली एंड एक्सक्लूसिव ऑफ द डेट इफ एनी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द टैरिफ। तो अब यहां क्या दे रखा है कि ये तभी इफेक्टिव है, ठीक है, एंड एक्सक्लूसिव ऑफ द डेट इफ एनी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ टैरिफ। मतलब बेसिकली फर्स्ट शेड्यूल ऑफ टैरिफ में इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रखी है। अब जो हमें फैक्टर्स कंसीडर करके चलने हैं वो क्या है कि फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड वाइल गिविंग प्रोटेक्शन थ्रू प्रोटेक्टिव ड्यूटीज। तो वो कौन कौन से फैक्टर है जो कंसीडर करके चलेंगे जब हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं प्रोटेक्टिव ड्यूटीज के द्वारा? तो दो हैं हमारे फैक्टर्स। तो पहला है कि प्रोटेक्टिव ड्यूटीज शुड नॉट बी वेरी स्टिफ। भाई प्रोटेक्टिव ड्यूटी इतनी भी हार्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम वो फॉरेन गुड्स पे लगा रहे हैं यानी कि इम्पोर्टेड गुड्स पे लगा रहे हैं, भाई इतनी भी हार्ड ना हो कि इम्पोर्ट्स डिस्करेज हो, यानी कि कोई इम्पोर्ट करने के लिए राजी ना हो, इतनी भी मतलब वो ना हो, हार्ड स्टिफ ना हो, ठीक है। सेकेंड, इट शुड बी सफिशियंटली अट्रैक्टिव टू एनकरेज इम्पोर्ट्स। भाई अट्रैक्टिव भी होनी चाहिए ताकि इम्पोर्ट को एनकरेज किया जा सके, ठीक है, ओके। अब हम जरा बात करेंगे सेफ गार्ड ड्यूटी की। तो सेफ गार्ड ड्यूटी के बारे में क्या कहा गया है कि सेफ गार्ड ड्यूटी इज ड्यूटी पेएबल ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। तो ये वाली जो ड्यूटी है वो किस पर पेएबल है? इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स यानी कि फॉरेन गुड्स को इम्पोर्ट अपने कंट्री में कराते हो तो उन पर ये वाली ड्यूटी जो है लिवाए होती है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि विच इज ऑलरेडी बींग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। अब इसका क्या मतलब हुआ कि वो वाले गुड्स जो हमारे देश में बाहर से आ रहे हैं लेकिन वही गुड्स हमारे इंडिया में भी यानी कि हमारी कंट्री में भी मैन्युफैक्चर्ड हो चुके हैं। तो बेसिकली सेफ गार्ड इसीलिए रखा गया है इसका नाम कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, अपने देश की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के जो गुड्स हैं उनको, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाली सेफ गार्ड ड्यूटी जो है उन गुड्स पर लगाई जाती है जो फॉरेन से आए हैं यानी कि इम्पोर्टेड गुड्स पर, ठीक है। बट कॉस्ट ऑफ विच इज हाई कंपेयर टू इम्पोर्ट प्राइस। कहने का ये मतलब है कि इंडिया में मान लो कोई प्रोडक्ट है, वो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूं कि अगर मान लो इंडिया में कोई प्रोडक्ट है वो 10 रुपए में बिक रहा है, ठीक है, अब वही गुड इम्पोर्ट होकर आया और वो 5 रुपए में बिकने के लिए तैयार है, तो अब इंडिया वाला कौन खरीदेगा? नहीं खरीदेंगे ना। तो बेसिकली फिर क्या करती है गवर्नमेंट, वो जो इम्पोर्टेड गुड्स है जो वो 5 रुपए में बेचने के लिए भी तैयार है तो उन पर और 5 रुपए की ड्यूटी लगा देती है, सेफ गार्ड ड्यूटी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, दोनों का प्राइस इक्वल हो जाएगा 10-10 रुपए। तो अब जो है जो कस्टमर है वो क्वालिटी देखकर ही जो है प्रोडक्ट को खरीदेगा, ठीक है, जो उसका मन करे, क्योंकि प्राइस जो है वो इक्वल होंगे। तो इट इज इम्पोज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये वाली जो ड्यूटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है ऑन गुड्स सो दैट द इंडियन मैन्युफैक्चरर डू नॉट सफर। इससे क्या होगा कि जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है वो सफर ना कर सके, ठीक है, उनको कोई तकलीफ ना हो, ठीक है, ड्यू टू इम्पोर्ट ऑफ चीपर गुड्स। भाई जो चीपर सस्ते सस्ते गुड्स आ रहे हैं, इम्पोर्ट हो रहे हैं हमारे देश में, ठीक है, उनसे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। ओके, थैंक यू सो मच।